रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव का नामांकन भरवाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पहले उनके निवास स्थान पर जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा राज्य में बेरोजगारी और अपराध में हरियाणा नंबर वन बन गया है और विकास और निवेश के मामले में हरियाणा पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश हरियाणा के चुनाव की तरफ देख रहा है, जहाँ सिर्फ एक ही चर्चा है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। चिरंजीव राव ने कहा कि उनके परिवार ने इलाके की सेवा की है, तभी उनके दादा पिता और अभी उन्हें जनता ने विधायक बनाया है। चिरंजीव राव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राव इंद्रजीत सिंह ने खुद कहा था कि रेवाड़ी में विपक्ष का विधायक है, इसलिए रेवाड़ी में विकास नहीं हुए। चिरंजीव राव ने कहा कि वो हमसे हिसाब मांगते हैं, पहले खुद हिसाब दे कि उन्होंने इतने वर्ष के कार्यकाल में क्या किया। पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस राज में रेवाड़ी में हर क्षेत्र में विकास हुआ था, लेकिन भाजपा राज में कोई कार्य नहीं हुआ। बता दें कि चिरंजीव राव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के दामाद हैं और पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव के बेटे हैं। 1989 से लगातार 6 बार कप्तान अजय सिंह यादव रेवाड़ी से विधायक रहे। 2014 में भाजपा उम्मीदवार से हार गए। 2019 में कप्तान अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव भाजपा उम्मीदवार को हराकर विधायक बने, जिसके बाद पार्टी ने दोबारा टिकट दी और आज उन्होंने नामांकन दर्ज किया है। चिरंजीव राव के दादा राव अभय सिंह भी आज़ादी के बाद पहले चुनाव में रेवाड़ी से विधायक बने थे। और हरियाणा की ओर पूरा देश तकदीर बना दिया गया यहाँ से इस पार्टी की सरकार बनती है। और ये मैं कह रहा हूँ, सारे हरियाणा में घूम रहा हूँ, 36 प्रांतों में मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। और जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में जो नंबर एक प्रदेश था, 10 साल में बेरोजगारी में नंबर एक हो गया हरियाणा। आज कानून व्यवस्था ठप हो गई है, अपराध में नंबर एक हो गया और खेल और कार्यक्रम की प्रस्तुति देख ही रहा, कहीं भी विकास का नाम नहीं। मैं यही कहने आया हूँ कि अपने प्रदेश का फिर से नंबर एक बनाना है पूरे देश में तो कांग्रेस पार्टी को लाना है। कांग्रेस और ये एक ही नारा है पूरे प्रदेश में, कांग्रेस आ रही है भाजपा क्या बताया। कैप्टन साहब ने पहला नामांकन भरवाने में अपने अजीज चिरंजीव का आया हूँ, बहुत अच्छा विधायक आपने बनाया। विधानसभा में खूब आपने विपक्ष में आवाज उठाई उन्होंने आपके इलाके की, और इनका भविष्य उज्जवल है, जवान है, तो आप भाई जितने ज्यादा वोटों से जिताओगे उतना ही इनका भविष्य बनेगा। मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने प्रदेश में पहला नामांकन भराया वो मेरा भरवाया, अपने नामांकन से भी पहले मेरा नामांकन भरवाने के लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने अपने बेटे का पहला नामांकन कराया। उसके साथ साथ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की अलका लांबा जी भी आई, मेरे पिता कैप्टन अजय यादव भी मेरे साथ थे। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा सभी बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों ने जिन्होंने आज यहाँ आकर मेरे नामांकन के अंदर जो मुझे आशीर्वाद दिया है, इसके लिए ताउम्र मैं उनका। आज तो हमारा रोड शो नहीं था, ये तो हमें सिर्फ एक नामांकन भरना था। आपने भी देखा होगा मैंने कोई रोड शो का कार्यक्रम नहीं रखा था, ये तो हमने हमारे घर पे मीटिंग करके हमने आज रोड शो आने वाले समय के अंदर करेंगे, तब आप वो देखेंगे, क्योंकि अभी तो चुनाव एक महीना दूर है, ये तो एक शुरुआत है चुनाव की। आज तो हमारी कोशिश ये थी कि जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, नौजवान साथी, मुझे आशीर्वाद। एक मिनट, राव इंद्रजीत जी ने स्वयं ये कहा था पिछले दिनों में कि विपक्ष का विधायक है, इस वजह से रेवाड़ी के अंदर एक ईंट तक नहीं लग पाई, ये आप सब जानते हैं जी। पर मेरी उसके बावजूद भी कोशिश रही कि यहाँ विकास करे, हमने तो हमारे इतने विकास बता दिए। और मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत जी को अपना भी हिसाब देना चाहिए कि वो इतने साल से यहाँ से सांसद है, वो भी बताए कि उन्होंने रेवाड़ी कितने साल तक सुध क्यों नहीं ली। आज तमाम जो उनके साथ के नेता थे बीजेपी के, वो आज नहीं पहुंचे, किस तरह राव इंद्रजीत ने, आप मुझे बता दीजिए, एक भी काम एम्स का सिर्फ एक पत्थर रखवाया, अगर उन्होंने कोई संस्था खोली हो तो मुझे बता दीजिए।
अब ऐसे आरोप लगाए तो कोई फायदा नहीं। मैंने आपको अगर मैं सुबह से शाम तक आपको इतने काम गिनवा दूंगा कि भरमार है वो अपना एक भी अपना ये बताते हैं कि भी उन्होंने काम किया होता। चुनौती किसी हमारे चुनौती किसी नहीं है।